लोग इन दिनों एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और इसे देखो जरा। ओबी इधर। जी भाई आप बुला रहे थे? हाँ भाई, कैसी तैयारी है? भाई तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही है। मैंने 2 लेदर जैकेट्स ली हैं और 3 अपर्स लिए हैं, इसके अलावा 2 पेयर स्नीकर्स लिए हैं। ये किस चीज की तैयारी की बात कर रहे हो तुम भाई? पिकनिक की। आपने तो कहा था कि हम लोग शिमाली इलाका जाएंगे पिकनिक। पिकनिक की नहीं, पिकनिक से पहले जो एग्जाम्स आना मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम्स। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम हर दफा ही कहते हो और आप फिर भी हर दफा पूछते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं समझ रही हूँ, वो आपका फर्ज है ना पूछना। हाँ और सुनो, आज सुबह से उठे हो तुम, क्या पढ़ा अभी तक तुमने? मम्मी ने नाश्ता के लिए भेजा तो मैं चला गया। बस आवारा गर्दी का मौका चाहिए। तुम कह नहीं सकते थे कि तुम्हें जो है वो पढ़ना है? उन्होंने आपको उठाया, आप उठे ही नहीं, तो फिर मैं चला गया। अच्छा ठीक है, एक काम कर दिया सुबह से, अब सारे घर के अंदर शोर डालो। एनीवे फिर वो मल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ गया, लाइट चली गई और अपना यूपीएस भी चार्ज नहीं था। तो जनरेटर चला लेते यार। वो तो आपके रूम के साथ जो कॉरिडोर है वहां पड़ा हुआ है, मैंने तो इसलिए नहीं चलाया कि आप सो रहे थे। हद है यार वैसे। अच्छा चलो, शाम को चाचा रफीक और उनके बच्चे आ गए थे और सारे कजन जो थे वो मेरे ही रूम में जमा थे। तो भाई यहाँ ले आता इनको, मेरे रूम में ले आता। ले तो मैं आता लेकिन आप सो रहे थे। अच्छा फिर आप सो रहे थे, फिर आप सो रहे थे, अच्छा फिर आप सो रहे थे, फिर आप सो रहे थे। और बस यार तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने दिन में कितनी दफा पढ़ा। अब ये पूछना नहीं चाह रहा कि मैं कितनी दफा सोया हूँ। खुद भी कुछ कर लिया करें, खुद सोते रहते हैं और फिर मुसीबत मुझे डालते हैं। क्या? कुछ नहीं, बस अब आज से तुम्हारा मोबाइल फोन ले लिया जाएगा, तुम्हारा इंटरनेट बंद। तुम्हारा एक्सबॉक्स मैं अलमारी में रख दूंगा। और तुम्हारा लैपटॉप ऊपर वाली पेटी में रखा जाएगा। मैं सोता रहा हूं ना, अभी तुम्हें मैं सुनाता हूं। बॉबी तो होश में आ। ये तो कहा था कि सो जाएगा लेकिन इतना सोएगा ये नहीं था पता। इसको कैसे होश में लाऊं यार, पापा भी आने वाले हैं। जैसे किसी कोई आइडिया। बॉबी आप कैसा फील कर रहे हैं? जी भाई अच्छा फील कर रहा हूं। ठीक फील कर रहा है? चल उठ के पढ़ अब।